बिहार बोर्ड मैट्रिक और इंटर 2025 के लिए जो डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी हुआ है, इस डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड को डाउनलोड कैसे करें, डाउनलोड करने में अलग अलग तरह की समस्याएं आ रही हैं, वो बच्चे क्या करें, इस डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में सुधार कैसे करें, हम ये कैसे पता करें कि हमारा सुधार हुआ कि नहीं हुआ, और ये जो घोषणा पत्र आया है इसको अपलोड किसे करना है, हम स्वयं करेंगे, स्टूडेंट को करना पड़ेगा या स्कूल कॉलेज को करना पड़ेगा, डाउनलोड करने में किसी का फोटो सिग्नेचर नहीं आ रहा तो किसी को नो डेटा फाउंड दिखा रहा, वो बच्चे क्या करेंगे। मतलब इस वीडियो में ना आपको डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड 2025 के बारे में सब कुछ बताया गया, ए टू जेड सारे डाउट क्लियर किया गया है, यानी इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई डाउट बाकी नहीं बचेगा। डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड 2025 के बारे में सब कुछ बताया गया है। सबसे पहला काम तो ये करना है आपको कि इसके लिए सिंपली ये डाउनलोड करना है, ये आपको देखना है, ये आपको चेक करना है। तो इसके लिए सिंपली गूगल में आपको सर्च करना होगा स्काई लाइट स्टडी लिख करके, और सबसे ऊपर जो रिजल्ट आएगा उसको सिंपली क्लिक करके ओपन कर लेना है। अब उसके बाद जब वेबसाइट ओपन हो जाएगा तो यहाँ पर जो सबसे ऊपर पोस्ट नजर आ रहा है ना, इसको सिंपली क्लिक करके ओपन कर लेना है। नीचे जब आइएगा तो डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड का जो डाउनलोड लिंक है वो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा। मैट्रिक का ये 1-2 लिंक है और इंटर का 1-2 लिंक है, तो हम एक मैट्रिक का खोल लेंगे और एक इंटर का खोल लेंगे। मैट्रिक वाले मैट्रिक्स चेक करेंगे, ये इंटर का सामने दिखाई दे रहा है आपको, स्टूडेंट 12 डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड 2023-25, और ये मैट्रिक वाला लिंक आपको दिखाई पड़ रहा है। अब डाउनलोड करने के लिए देखिए, आप मोबाइल से करें या फिर लैपटॉप से करें, एक चीज का तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप नाम जो डालें ना उस नाम में लास्ट में स्पेस ना रहे। अब देखिए, स्मॉल में डालें या फिर कैपिटल में डालें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों तरह से खुलेगा, लेकिन हाँ प्रॉब्लम तब होती है जब स्टूडेंट्स नेम में बच्चा क्या करता है ना कि लास्ट में एक स्पेस उसका बढ़ जाता है। अब लास्ट में स्पेस बढ़ेगा तो उसमें प्रॉब्लम होगी आपको, तो मोबाइल में अगर कर रहे हैं तो ध्यान दीजिए कि लास्ट में स्पेस ना रहे, एक्स्ट्रा स्पेस रहेगा तो आपको दिक्कत होगी। तो ये कर लिया आपने। यहाँ पर कॉलेज कोड में अक्सर दिक्कत होती है बच्चों की, कहाँ से लाएं, देखिए ये आपको मिलेगा आपके स्कूल से और कॉलेज से, अगर नहीं पता है तो 5 अंकों का होता है, पूछ लीजिए, पता कर लीजिए। अब उसके बाद हमने अपना नाम डाल दिया, पिता का नाम डालना है सेम टू सेम, और उसके बाद चुनना है अपना फैकल्टी, साइंस के हैं तो साइंस, आर्ट्स के हैं तो आर्ट्स। अब देखिए डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पर अगर लैपटॉप पर या कंप्यूटर पर खोल रहे हैं तो सबसे पहले मंथ डालना है, फिर डेट डालना है, फिर ईयर डालना है, लेकिन अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो सिंपली यहाँ कैलेंडर का आइकॉन बना हुआ है उस पर क्लिक कीजिए, और सबसे पहले यहाँ जुलाई 2024 है उस पर क्लिक कर दीजिए, और ऊपर में आपको साल पहले चुन लेना होगा कि आपका जो जन्म है किस साल का है, और जैसे ही हम साल चुनेंगे उस साल के सारे महीने खुल जाएंगे। अब हम क्या करेंगे तो महीना चुन लेंगे, अब उस महीने का उस साल का वो महीना खुल गया, अब हमें डेट चुनना है, तो हमने डेट चुन लिया, हमारा डेट ऑफ बर्थ हो गया एंट्री। अब सिंपली यहाँ सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका डमी रजिस्ट्रेशन आपके सामने स्क्रीन पर खुल जाएगा। अब देखिए ये तो खुल गया, इसमें सब कुछ आपको चेक कर लेना है, यहाँ पर फोटो नहीं खुल रहा, साइन नहीं खुल रहा, इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका प्रॉब्लम नहीं है, ये वेबसाइट से प्रॉब्लम है, सर्वर से प्रॉब्लम है। बिहार बोर्ड जब तक इस चीज़ को ठीक नहीं करेगा आप नहीं खोल पाएगा, वहाँ से ठीक हो जाएगा तो आपका खुलने लगेगा, लेकिन अब नहीं खुल रहा तो क्या करें, तो ये इसका सिर्फ जब तक ये नहीं खुल रहा है, जब तक ऊपर से ठीक नहीं होता है, तब तक सिर्फ एक ही उपाय है कि आप अपने स्कूल या कॉलेज से संपर्क करें, वहाँ से ही आपको मिलेगा, उसमें फोटो साइन दोनों मिलेगा, बिल्कुल परफेक्ट है, मैंने खुद से डाउनलोड करके देखा भी है। स्कूल कॉलेज का जो अपना अलग यूजर आईडी और पासवर्ड होता है उस पर सबका बिल्कुल परफेक्ट अपलोड किया गया है। तो ये डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड खुल गया हमारा। अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि ये जो है आप प्रिंट नहीं कर पाइएगा, डाउनलोड नहीं कर पाइएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रिंट करते ही क्या हो रहा है कि बैक हो जा रहा है, तो इसलिए चूंकि ये समस्या है तो आपको करना क्या होगा कि ये डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आपको अपने स्कूल या कॉलेज से ही लेना होगा, तो आप अपने स्कूल कॉलेज जाइए, वहाँ से 100% मिलेगा आपको। चलिए मिल तो गया, हमने देख भी लिया कि हमारे डमी रजिस्ट्रेशन में क्या क्या छप के आया है, अब देख लिया हमने सुधार कैसे करें, डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में करेक्शन करवाना हो, कोई सब्जेक्ट हटाना हो, कोई सब्जेक्ट जोड़ना हो तो कैसे करेंगे हम, उसके लिए देखिए क्या होता है ना कि आप डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड को लेके जाइए अपने स्कूल में या फिर कॉलेज में, जहाँ भी आपका एडमिशन है वहाँ लेके जाइए। वहाँ पर इस काम के लिए कोई ना कोई टीचर जो है डिपुट किए होंगे, यानी स्कूल में जो है ना एक टीचर को इस काम के लिए स्पेसिफिक रखा जाता है, तो अगर कोई ऐसा आपको नहीं मालूम पड़ रहा तो सीधे ऑफिस में जाइए, वहाँ पूछिए कि भाई हमको सुधार करवाना है, किससे मिलना पड़ेगा। अब वहाँ चले गए आप, आपको क्या करना, चलिए मान लेते हैं कि नाम में प्रॉब्लम है, नाम में क्या था कि आपका यहाँ पर किसी का मान लीजिए कि काजल कुमारी है, तो काजल में उसको होना क्या चाहिए था, तो KAJL, लेकिन आ गया क्या, तो KAJL, यानी एक ए गायब है, तो हमको ये सही करना है, तो हम इसको नाम को घेर देंगे, और यहाँ पर काजल कुमारी का जो सही स्पेलिंग है ना वो हम पेन से लिख डालेंगे, ठीक है, ये एक चीज़ हो गया। मान लीजिए हमको यहाँ पर दिखाई दिया कि यहाँ पर BC छप के आ गया, मतलब BC2, और हमको EBC कराना, तो यहाँ पर इसको घेर देंगे, यहाँ पर पेन से EBC लिख देंगे। चलिए मान लीजिए कि डेट ऑफ बर्थ हमारा गलती है, यहाँ पर 27/8/2008 लिखा हुआ है, हमको कराना है 25/7/2000
साथ कराना है, तो हम पेन से लिख डालेंगे। सब्जेक्ट की बात करें, अगर हम सब्जेक्ट में जैसे देखिए यहाँ पर एक्स्ट्रा में मैथ है, हमको मैथ नहीं लेना। अगर हमको मैथ हटाना है तो सिंपली क्या करेंगे, मैथ को गोल घेरेंगे और काट देंगे, ठीक है। लेकिन हमको मैथ को चेंज करके एक्स्ट्रा में बायो रखना है, क्योंकि अब आपको पता होगा, मैंने बताया भी है कई वीडियो में, कि अब मैथ से यानी पीसीएम के बच्चे चाहें तो एक्स्ट्रा में बायो रख सकते हैं, ये छूट उन्हें मिल चुकी है। तो हम मैथ को बायो और बायोलॉजी को काट कर यहाँ क्या कर देंगे, मैथ कर देंगे, ये हो गया। और इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, नीचे आ जाएंगे और नीचे हम देखेंगे कि हमें एक बॉक्स मिलता है जिसमें अपना साइन करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपना साइन कर देंगे। और अपना साइन करने के साथ साथ यहाँ पर ध्यान ये भी देना है कि साइन वही होना चाहिए जो आपका यहाँ पर फोटो के नीचे छप करके आया है, क्योंकि आपको कॉलेज से स्कूल से जो मिलेगा ना उसमें आपका साइन छपा हुआ रहेगा, तो सेम टू सेम कर दीजिए। और उसके बाद यहाँ क्या करना है, आपको डेट डाल देना है, जिस दिन आप ये काम कर रहे हैं ना उस दिन का डेट डाल देना है। अपने गार्जियन का भी साइन करवा लेना है, और उस जिस डेट में गार्जियन साइन करेंगे उस डेट में गार्जियन भी यहाँ पर डेट डाल देंगे। और इतना काम करने के बाद यहाँ पर चूंकि संस्थान प्रधान यानी आपके हेडमास्टर का है, तो ये आप छोड़ दीजिए, वो कर लेंगे और ये आप दे दीजिए। लेकिन देने से पहले एक चीज़ और सुनिश्चित कर लेना है कि आपने जितना कुछ सुधार करना था सब कुछ काट करके पेन से लिख दिया है ना, इतना कुछ करने के बाद पेन से लिख करके वो जो टीचर वहाँ पर इस काम के लिए जो जिनके पास ये जमा हो रहा हो सुधार करने के, उनके पास जमा कर दीजिए। जमा करने के बाद, जमा तो हमने कर दिया, अब है मामला कि सुधार हुआ कि नहीं हुआ, ये कैसे मालूम पड़ेगा। तो देखिए सुधार हुआ या नहीं हुआ ये मालूम करने का फिर वही तरीका है, वापस आइए वेबसाइट पर और दोबारा से चेक कीजिए, ठीक है, दोबारा से चेक कीजिए। और इस बार अगर आप चेक करने में नाम और पिता के नाम में सुधार आपने कराया है या डेट ऑफ बर्थ में, जो जो चीज़ें यहाँ डालनी है, यहाँ पर देखिए नाम डालना है, पिता का नाम डालना है और डेट ऑफ बर्थ डालना है, और अगर इन तीन चीज़ों में आपने सुधार करवाया है तो वो जो सुधार कराने के बाद आपको रखना था वो डिटेल अब डाल करके चेक करना होगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ दोबारा चेक करने आइएगा, लेकिन हाँ अब आज आपने जमा किया सुधार करने के लिए स्कूल कॉलेज में और आज ही चेक कीजिएगा तो नहीं होगा, दो दिन तीन दिन चार दिन हफ्ता दिन लग सकता है, क्योंकि अभी 30 तक टाइम है। स्कूल कॉलेज वाले हो सकता है कि अभी जमा लें 10 दिन 15 दिन जमा लें, उसके बाद एक बार सबका सुधार करना शुरू करें। लेकिन अगर आपने नाम, पिता का नाम और डेट ऑफ बर्थ में से कोई भी चीज़ सुधार करवाया है तो जो पहले वाला छप के आया था वो मत डालिए, जो सुधार करवाने के लिए आपने दिया है वो डाल के चेक कीजिए, और यहाँ पर खुलेगा तो आपका सुधार किया हुआ खुलेगा। और अगर मान लेते हैं कि आपने अपना नाम या फिर पिता का नाम या फिर डेट ऑफ बर्थ में से कोई सुधार करने के लिए नहीं दिया, सब्जेक्ट दिया है, तो फिर जो पहले जिस डिटेल से खुल रहा था वही डिटेल से यहाँ पर खुलेगा, और यहाँ पर सुधार अगर हो गया तो सुधार कराया हुआ दिखेगा, और अगर आपके स्कूल कॉलेज ने सुधार नहीं किया है तो पहले वाला गलती वाला ही दिखाएगा। लेकिन ये भी याद रखिए कि सुधार आप खुद से नहीं कर सकते, कभी भी सुधार हो सकता है तो आपका स्कूल या कॉलेज ही कर सकता है, आप स्वयं खुद से नहीं कर सकते। चलिए ये तो हो गया, अब हम आते हैं कि भाई हमने सुधार करने के लिए दे दिया, हमने घोषणा पत्र भी अपलोड करने के लिए दे दिया। देखिए यहाँ पर सुधार करने वाला जो मामला था सेम वही यहाँ भी करना है। अगर मान लीजिए किसी का फीमेल हो गया, मेल करना था तो फीमेल को घेरेगा, यहाँ पर मेल लिख डालेगा, और यही काम यहाँ सुधार करने वाला वैसे ही करना है। यहाँ भी स्टूडेंट का साइन होगा मैट्रिक वाले में भी, और यहाँ पर गार्जियन का और यहाँ पर उसके हेडमास्टर का। अब ये जो घोषणा पत्र है ये अपलोड किसको करना है, तो ये अपलोड आपको नहीं करना है, ये वाला जो हिस्सा हो गया ये आपको नहीं करना है, आप कर भी नहीं सकते, क्योंकि ये अथॉरिटी, ये अधिकार सिर्फ दिया गया है स्कूल कॉलेज को। तो स्कूल कॉलेज वाले क्या करेंगे, इसको स्कैन करेंगे और अपलोड कर देंगे, और उसके लिए उनको अलग से यूजर आईडी और पासवर्ड मिला हुआ होता है, तो वही यूजर आईडी और पासवर्ड से वो लॉगिन करेंगे और अपलोड करेंगे सारे बच्चों का जो जो उनके यहाँ नामांकित हैं, एडमिशन लिए हुए हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन उन्होंने किया है, उन सारे बच्चों का। आप खुद से नहीं कर सकते, आपको करना भी नहीं है इसलिए। और दूसरी बात ये भी है कि ये आपका घोषणा पत्र अपलोड हुआ कि नहीं आप पता भी नहीं कर सकते, ये भी नियम जान लीजिए कि जिस जिस बच्चे का घोषणा पत्र अपलोड नहीं होगा ना उन बच्चों का ओरिजिनल या फाइनल रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं आएगा, जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है, यहाँ पर चूंकि XX लिखा हुआ है, लेकिन जो ओरिजिनल आएगा ना उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा। तो अगर किसी का घोषणा पत्र अपलोड नहीं हुआ तो उसका फाइनल रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं आएगा, और अगर वो नहीं आया तो आपका फॉर्म भी नहीं भराएगा, और अगर फॉर्म नहीं भराया तो 2025 के फरवरी में ना तो आप मैट्रिक एग्जाम दे पाएंगे ना ही इंटर का एग्जाम दे पाएंगे। तो इसको पता करने का फिलहाल आपके पास कोई रास्ता नहीं है, लेकिन हाँ सुधार हुआ कि नहीं हुआ ये आप पता कर सकते हैं, और कैसे, तो दोबारा वेबसाइट पर चेक करके। और अगर दोबारा वेबसाइट पर चेक नहीं हो रहा है तो अपने स्कूल कॉलेज से मिलिए, उनसे बोलिए कि हमको भाई सुधार किया हुआ डमी फिर से दिखाया जाए या फिर हमको प्रिंट करके दिया जाए,
ये भी एक तरीका हो गया। तो डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में जिसका फोटो नहीं आ रहा, स्कूल कॉलेज से मिली है, जिनका नो डेटा फाउंड लिख रहा है, अपना सब डिटेल बिल्कुल सही सही डालिए। और अगर फिर भी ना खुले, सब कुछ सारी सावधानी बरतने के बाद मोबाइल से खोल रहे हो, लैपटॉप से खोल रहे हो, फिर भी ना खुले, तो फिर कॉलेज जा करके मिलिए, वहीं से आपको मिलेगा। और सुधार कराने का प्रक्रिया क्या है, तो भाई पेन से सुधार कीजिए, अपने कॉलेज को या स्कूल को सौंप दीजिए, वो सुधार कर देंगे। चेक कैसे करना है, तो वेबसाइट से चेक करना है, और अगर यहाँ से ना हो पाए तो फिर अपने स्कूल से ही मिलना है, वहाँ से आपको मालूम पड़ जाएगा। तो फिलहाल डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड के सारे डाउट को मैंने क्लियर कर दिया। फिर भी अगर कोई डाउट आपका बच जाता है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।